हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सन फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने ना अपने काम से बल्कि अपने विचारों से भी करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इलॉन मस्क। 28 जून 1971 को प्रिटोरिया में जन्मा यह व्यक्ति आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है। यह मूल रूप से साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं। इनके पिता का नाम इरोल मस्क और मां का नाम मे मस्क है। इलॉन मस्क अपने बचपन से ही बाकी सभी बच्चों से अलग थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने महज 10 साल की उम्र तक इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ता होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ही दिनों में सिर्फ किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीख लिया था। और जब वे 12 साल के हुए तब उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर गेम लॉन्च किया था जिसको उन्होंने ब्लास्टर नाम दिया था। इस गेम को उन्होंने एक कंपनी को $500 में बेच दिया। यह मस्क की पहली कमाई थी। ब्लास्टर गेम को उन्होंने कमोडोर VIC-20 नाम के कंप्यूटर से बनाया था। इस गेम का ऑनलाइन वर्जन आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। इलॉन मस्क और उनके भाई किम्बल ने मिलकर 1995 में Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली। इस कंपनी को उन्होंने 1999 में कॉम्पैक को बेच दिया। बेचने के बाद मिले पैसों से 1999 में इलॉन मस्क ने $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी खोली। इस कंपनी का दावा था कि वे पैसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाले हैं, लेकिन एक साल के बाद X.com कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ मर्ज हो गई। इसे आगे चलकर पेपाल के नाम से जाना जाने लगा। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें इलॉन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन था। इसके बाद भी वे रुके नहीं। उन्होंने अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह पर उपनिवेशीकरण करने की सोची, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत पैसे और टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजकर पैसे कमाने का सोचा, लेकिन इसके लिए उनके पास रॉकेट बनाने की तकनीक नहीं थी। वे रसिया 3 ICBM रॉकेट लेने गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन है। उन्होंने कीमत को लेकर कंपनीज के साथ काफ़ी नेगोशिएट किया, लेकिन बात नहीं बनी। उन्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। फिर उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट बनाने का सोचा जिससे रॉकेट कमर्शियली वायबल हो जाए। इस काम को पूरा करने के लिए 2002 में इलॉन मस्क ने SpaceX नाम की एक कंपनी खोली। इलॉन मस्क ने किताबों की मदद से स्पेस साइंस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी की और इस कंपनी के CEO के साथ साथ CTO भी बन गए। 2020 में SpaceX अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक मानव को पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। ये तो रही SpaceX की बात, आइए जानते हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला मोटर्स एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी को 2003 में दो अमेरिकन इंजीनियर मार्टिन एबरहर्ड और मार्क टार्पिनिंग ने खोला था। इस कंपनी का नाम महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला से प्रेरित होकर रखा गया था। 2004 में इलॉन मस्क ने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारें दौड़ाने के ख्याल से टेस्ला मोटर में पैसे इन्वेस्ट किए। टेस्ला कंपनी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन करना है जो गैसोलीन कार की तुलना से बेहतर और तेज हो। इलॉन मस्क इस कंपनी पर ध्यान देने लगे और जल्द ही इस कंपनी के CEO बन गए। कंपनी ने 2008 में अपना पहला गाड़ी लॉन्च किया। इस गाड़ी की डिज़ाइन में इलॉन मस्क की मुख्य भूमिका थी, लेकिन गाड़ी अपने निर्धारित दाम से काफ़ी ऊपर चली गई। इस वजह से ये गाड़ी उतनी नहीं बिक पाई। कंपनी इलेक्ट्रिक कार के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और बैटरी चार्जर स्वयं बनाती है। 2009 में टेस्ला कंपनी को बहुत अधिक फाइनेंशियली लॉस से गुजरना पड़ा। इस कंपनी को लॉस से निकालने के लिए इलॉन मस्क ने इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतार दिया ताकि लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करें और ये कंपनी रिकवर हो पाए। 2010 में इस कंपनी को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर दिया गया। इस कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई और जब यह हुआ तब टेस्ला का एक शेयर का दाम $17 था। 2020 में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 720% से बढ़ गया। 14 जनवरी 2020 को इस कंपनी के एक शेयर का दाम $854 था। इस कंपनी के शेयर का दाम बढ़ने की वजह से
7 जनवरी 2020 को इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्होंने हमेशा से ही उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है जो मानव और मानवता दोनों के लिए अच्छा हो और दुनिया में बदलाव ला सके। इसका प्रमाण हमें स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी जैसे कंपनीज को देखकर मिलता है। वे कभी भी असफलता से डरे नहीं, बल्कि वे असफलता को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे कमेंट और आजू बाजू शेयर कर देना। और हाँ, घंटे को दबाना मत भूलना।